Next one, C program to convert all characters of given string into equivalent to all case format. Means just आपने अभी तक क्या देखा था अपर केस और लोअर केस से हमें इक्वेलेंट केस क्या है टूवल केस. टूवल केस मीन्स अगर कोई कैरेक्टर ऑलरेडी लोअर केस फॉर्मेट में देन लोअर केस कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कराना हुआ इक्वेलेंट टू अपर केस. सेम है अगर ऑलरेडी लोअर केस अवेलेबल देन लोअर केस को कन्वर्ट कराना हुआ अपर केस और अपर केस को लोअर केस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है लाइक दैट एप्पल, एप्पल के केस में ए ऑलरेडी कैसा अपर केस पी एल देन कैपिटल ई लाइक दैट. इसका इक्विवेलेंट टूवल केस फॉर्मेट क्या रहेगा सबसे पहले ए के लिए टेस्ट करें ए ऑलरेडी किस फॉर्मेट में अपर केस फॉर्मेट तो ए को कन्वर्ट करें इक्विवेलेंट लोअर केस. देन पी पी एल, पी पी एल ऑलरेडी लोअर केस फॉर्मेट में इसलिए पी पी एल किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो इक्विवेलेंट टू अपर केस फॉर्मेट. देन ई का टाइप क्या अपर केस इस अपर केस कैरेक्टर को कन्वर्ट करें लोअर केस दिस इज नथिंग बट टूवल केस क्लियर. देन इस केस में सिंपली अगेन स्टेप्स क्या रहेंगे सबसे पहले आप कीबोर्ड से रिक्वायर्ड स्ट्रिंग को रीड कराओगे इनसाइड मेन फंक्शन. लेकिन मैं जस्ट आपको बता दूं इस केस में मेन फंक्शंस के लिए कोई भी लॉजिक स्टोर नहीं करूंगा जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करूंगा इधर टूवल केस लाइक अपर केस और लाइक लोअर केस सेम है टूवल केस. देन जब भी आपको लॉजिक्स रिक्वायर्ड हो उस प्लेस पर आप कॉल क्या कर लो टूवल केस फंक्शन. तो टूवल केस फंक्शन के लिए आप जब भी फंक्शन को कॉल कराओगे इस फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट सप्लाई करोगे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जिसके लिए आप केस कन्वर्जन परफॉर्म कराना चाहते हो. नेक्स्ट वन, लेकिन इसके अंदर लॉजिक्स क्या रहेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विजिट कराओगे यूजिंग फॉर लूप और मे बी बाई यूजिंग व्हाइल लूप. देन लूप्स के थ्रू स्ट्रिंग को जस्ट वन बाय वन ट्रैवर्स करोगे. देन स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को मैच कैसे कराएंगे इस कैरेक्टर के लिए चेक करोगे अगर कैरेक्टर अपर केस में बाय यूजिंग इफ कंडीशन. देन इसको कन्वर्ट किस में करोगे लोअर केस में. देन एक और कंडीशन किसके लिए अप्लाई होगा लोअर केस के लिए कैरेक्टर ऑलरेडी लोअर केस है देन उस केस में टेस्ट क्या करो देन कन्वर्जन किस में कराओगे अपर केस में क्लियर. देन अपर केस और लोअर केस में भी टेस्ट करने के लिए आप सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर सकते हो एज अपर और एज लोअर लाइक अ प्रीवियस केस. प्रीवियस केस में जस्ट फंक्शन प्रोवाइड किया था एज वोवेल. एज वोवेल फंक्शन का वर्किंग क्या था चेकिंग गिवन कैरेक्टर इज वोवेल और नॉट. सिमिलरली सबसे पहले मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ चेक द गिवन कैरेक्टर इज अपर केस और नॉट. तो इस केस में फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करोगे रिटर्न क्या कराओगे आइदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराने के लिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ इंटीजर. फर्स्ट केस में फंक्शन क्रिएट करा इज लोअर. देन अगर आपको लोअर केस के लिए टेस्ट करना ऑलवेज कॉल क्या करा लो इज लोअर फंक्शन आर्ग्यूमेंट टाइप यूज करेंगे एज अ कैरेक्टर. क्योंकि आप होल स्ट्रिंग को टेस्ट करना चाहते हो एट ए टाइम ओनली सिंगल कैरेक्टर चेक करूंगा एट ए टाइम ओनली सिंगल कैरेक्टर चेक कराएंगे क्लियर. इज लोअर, इज लोअर के रिस्पेक्ट में जस्ट कंडीशन अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली रिटर्न कराओगे विदाउट यूजिंग इफ एल्स रिटर्न सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड. मीन्स आपको कोई भी इफ और एल्स कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पर्टिकुलर केस इटसेल्फ क्या ऑल्सो कंडीशन. इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा मीन्स अगर आप सेम केस इफ में भी पुट कर दो सपोज दैट इस कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू है देन ट्रू के केस में आप रिटर्न क्या कराओगे वन. रिजल्ट अगर फॉल्स है देन रिटर्न क्या कराओगे जीरो. अगर इसका रिजल्ट ट्रू है देन इटसेल्फ क्या देगा वन तो डायरेक्टली क्या रिटर्न हो जाएगा वन. सेम है अगर फॉल्स दे रहा है देन फॉल्स के केस में रिजल्ट क्या आएगा जीरो ऑटोमेटिकली रिटर्न क्या हो जाएगा जीरो. देन आपको मैनुअली जीरो या वन रिटर्न कराने की जरूरत नहीं मीन्स डायरेक्टली आप रिटर्न क्या कराओगे गिवन रिजल्ट्स और रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इटसेल्फ क्या है वो आइदर ट्रू और फॉल्स. सेम एज मैं क्रिएट करूँ वन मोर फंक्शन एज इंटीजर इज अपर. एज अपर के केस में अगेन आर्गुमेंट टाइप पास करेंगे एज ए कैरेक्टर देन फंक्शन रिटर्न क्या कराओगे इस केस में अगेन रिटर्न सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड. मीन्स जब भी आपको कोई भी फंक्शन टेस्ट करना कोई कैरेक्टर टेस्ट करना गिवन कैरेक्टर इज अपर केस और नॉट सिंपली कॉल क्या करा लेंगे इज अपर क्लियर. अभी मैंने जस्ट एज असिस्टेंट फंक्शन क्रिएट की देन एक्चुअल फंक्शन क्रिएट करेंगे एज इस फंक्शन के इसमें वर्किंग क्या इसका टूवल केस. देन नेक्स्ट टाइम टूवल के केस में रिटर्न क्या मीन्स इस केस में रिटर्न टाइप में यूज करूंगा ओनली वॉइड और कैर स्टार. रिटर्न क्या कराओगे कैर स्टार मीन सेम कन्वर्टेड स्ट्रिंग. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कैर स्टार. फंक्शन नेम इज सिंपली टूवल केस. नेक्स्ट वन इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में आप पास भी क्या करोगे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग. रिक्वायर्ड स्ट्रिंग एस मीन सेम एज प्रीवियस केस. फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या यूज किया कैर स्टार और आर्ग्यूमेंट टाइप भी क्या यूज किया ऑल्सो
कैर स्टार नेक्स्ट वन इन दैट फंक्शंस, जस्ट आप लूप इटरेट करो फ्रॉम जीरो टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो लूप को इटरेट करने के लिए सेपरेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे इंटीजर आई, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई, आई का इनिशियल वैल्यू क्या लोगे। मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन में सारे प्रोग्राम फोर लूप के थ्रू इंप्लीमेंट किए थे, सेम है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ प्रोग्राम्स व्हाइल लूप के थ्रू प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इसलिए आई का इनिशियल वैल्यू क्या जीरो प्लस है। लूप आपको इटरेट कब तक करना, जब तक ए ऑफ आई नल नहीं हो जाता है, मीन्स व्हाइल ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल। कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस केस में जैसे ही नल आएगा देन नल इटसेल्फ क्या हुआ जीरो, जीरो मीन्स बिकम्स फॉल्स। देन आप केस टेस्ट करो यूजिंग इफ, इफ के केस में टेस्ट क्या करोगे, इफ इज अपर, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू अपर केस फॉर्मेट में, फिर ए ऑफ आई इज इन अपर केस लेटर्स, देन इसको कन्वर्ट किस में कराओगे, लोअर केस में। तो लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर्स में जस्ट डिफरेंस, आस्की वैल्यू में डिफरेंस कितने का होता है ऑलवेज 32। अपर केस को अपर टू लोअर परफॉर्म कराना है, देन इस केस में यूज क्या करेंगे, जस्ट जो भी कैरेक्टर है सी एच, उस कैरेक्टर के आस्की वैल्यू में एडिशन कितने से कराओगे, जस्ट 32। सेम है लोअर टू अपर, लोअर टू अपर के केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, सी एच इक्वल्स टू सी एच माइनस 32। लेकिन यहाँ सी एच कोई सिंगल कैरेक्टर नहीं, सी एच इटसेल्फ का रिप्रेजेंट कर सिंगल कैरेक्टर, लेकिन आप ऑपरेशन स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इसलिए ऑपरेशन किस फॉर्म में, ए ऑफ आई के फॉर्म, इसे ए ऑफ आई इटसेल्फ आप कंसिडर करो एज ऑलवेज सी एच। नेक्स्ट अगर एक कंडीशन ट्रू मीन इस केस में जैसे एज अपर फंक्शन कॉल हुआ देन एज अपर फंक्शन रिटर्न क्या करे, आइदर ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब गिवन कैरेक्टर किस फॉर्म में, अपर केस फॉर्म में, देन इसको लोअर केस में कन्वर्ट करने की जरूरत है। लोअर केस के केस में अप्लाई क्या करेंगे, गिवन लॉजिक्स, सी एच के प्लेस पर रिप्लेस क्या करा लेंगे, ए ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू 32, मीन्स कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम एज एक और कंडीशन किसके लिए अप्लाई करोगे, लोअर केस के लिए, लोअर केस के केस में सेम प्लेस पर कॉल क्या करा लेंगे, एज लोअर, मीन्स ऑलरेडी मैंने फंक्शन इंप्लीमेंट किया। आप या तो फंक्शन भी यूज कर सकते हो, और फंक्शन क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या सेम कंडीशन जो मैंने रिटर्न स्टेटमेंट में पास किए, सेम कंडीशन आप इफ के अंदर डायरेक्टली पास कर सकते हो। दोनों मीनिंग कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम, एज लोअर ए ऑफ आई। अगर सेकेंड कंडीशन ट्रू है देन इस केस में इसका मतलब गिवन कैरेक्टर ऑलरेडी लोअर केस फॉर्मेट में, देन इसको कन्वर्ट किस में कराओगे, अपर केस में। अपर केस में कन्वर्ट कराने के लिए जस्ट सब्ट्रैक्शन कितने से हुआ, 32 से, ए ऑफ आई माइनस इक्वल्स टू 32, क्लियर। देन इसके जस्ट बाद लूप के एंड में परफॉर्म क्या कराएंगे, एवरी टाइम आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, अगर आप फोर लूप यूज नहीं करो उसके इसमें एंड प्रोसेस में परफॉर्म क्या हुआ, इंक्रीमेंट इन आई। देन फाइनली जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा देन आप रिटर्न क्या कराओगे, सेम स्ट्रिंग, इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट में पास क्या करो, रिटर्न गिवन स्ट्रिंग का एड्रेस किसके पास है, मैंने यहाँ मिस्टेक किया है इस प्लेस पर ए ऑफ आई यूज किया, तो इसलिए पॉइंटर यूज क्या नाम करोगे, एज अ ए। देन रिटर्न क्या कराएंगे, ऑल्सो रिटर्न ए, दिस इज द गिवन रिक्वायर्ड लॉजिक्स। देन जहाँ भी आपको टेस्ट करने की जरूरत होगी, समथिंग लाइक अ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर जस्ट स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग मेन, मेन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले रिक्वायर्ड स्ट्रिंग डिक्लेरेशन प्रोवाइड करोगे, लाइक अ वॉइड मेन कैर, आप कोई भी मैक्सिमम साइज यूज कर सकते हो, मैंने साइज यूज किया जाए 100। देन स्ट्रिंग कीबोर्ड से रीड कराओ, उससे पहले इसमें कोई मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ, लाइक अ एंटर लाइन और एंटर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रीड करने के लिए आप स्कैन ऐप भी यूज कर सकते हो, स्कैन ऐप के अलावा गेट्स फंक्शन भी यूज करना पॉसिबल है। इसके जस्ट बाद कॉल क्या कर लेंगे, टोगल केस फंक्शन, टोगल केस फंक्शन के अंदर सप्लाई क्या करोगे, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग विच यू वांट टू टेस्ट, इसके कैसे स्ट्रिंग को टेस्ट करना, स्ट्रिंग ए को, इसलिए मैंने पास किया। देन कन्वर्जन के जस्ट बाद अगर आप डिस्प्ले कराओगे स्ट्रिंग ए, देन इस टाइप से आपके लिए टेस्ट करना पॉसिबल यूजिंग गिवन मेन फंक्शंस।